ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बिस्किट बनते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करिएगा कि आप ये बिस्किट बना रहे हैं या नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से बनना है। तो फ्रेंड बिस्किट बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। तो बाउल में देखिए हमने डाल दिया 4 चम्मच भर करके घी, वो जो स्पून आते हैं खाना खाने वाले ना, उसी स्पून से हमने 4 चम्मच घी डाल दिया है और 1 कटोरी पिसी हुई चीनी। तो पिसी हुई चीनी और घी को अच्छे से हम मैश करेंगे, इतना अच्छे से मैश हो जाए उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि चीनी और घी के कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया होता है ना, जितना अच्छा मैश हो जाएगा उतने ही स्वादिष्ट, उतने ही बढ़िया करारे करारे आपके बिस्किट बन करके तैयार हो जाएगा, मानो कि आप बाजार से लेके आए हैं, इतना बढ़िया बिस्किट बन करके तैयार होगा। फिर जब अच्छे से हम इसको मिला लेंगे तब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी से थोड़ा सा कम, जितना हमने चीनी लिया है इनफैक्ट उतनी ही हमने इसमें पानी डाल दिया हुआ है, जितनी हमने चीनी ली थी उतना हमने पानी डाला है। और देखिए फिर इसको इतना अच्छे से हम फेटेंगे कि हाथों में दर्द होने लगे। जी हाँ, बहुत फेटना होता है। आप चाहें तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे ताम झाम ज़्यादा लग रहा था, मैंने सोचा चलो हाथ से इसको मैश कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से ये मैश हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने मैश कर लिया है, तो आप पानी का कलर देख सकते हैं बदल चुका है। फिर इसमें हम डाल देंगे आटा, गेहूं का आटा है ये, आप गेहूं के आटे के जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले आप एक बार गेहूं के आटे से बना करके जरूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल मैदे वाली फीलिंग आती है, कोई भी चेंजेस नहीं होती, बहुत टेस्टी बिस्किट बन करके लगते हैं। और इसमें हमें कुछ ज़्यादा डालना भी नहीं, जितनी चीज़ें हमारे घर में पाई जाती हैं बस उतनी ही चीज़ें हमें इसमें ऐड करना है। तो गेहूं के आटे हम जैसे जैसे मिलाते जाएंगे, जैसे जैसे खपता जाएगा वैसे वैसे हम गेहूं का आटा इसमें डालते जाएंगे, वो हमारे बैटर के अनुसार है कि कब हमारा गेहूं का आटा जो है वो लगना बंद होगा। क्योंकि देखिए इसको हम ऐसा डो बना करके तैयार करेंगे मानो कर रोटी का डो, जैसे रोटी का डो हम बनाते हैं ना, सेम उसी कंडीशन में इसका डो हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा आटा हम डालते जाएंगे, इस तरीके से मैश करते जाएंगे। अगर हम इकट्ठे आटे को मैश कर देंगे तो आटा भी नहीं अच्छे से मैश होगा, इनफैक्ट जो हमारा बैटर है वो भी टाइट टाइट डो बन के तैयार होगा, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। फिर देखिए मैंने इसको बराबर चलाते हुए मैश किया तो मुझे लगा थोड़ा सा आटा और डाल देना चाहिए, तो थोड़ा सा आटा हमने और डाल दिया हुआ है, और डाल करके देखिए कितना बढ़िया मैश हो रहा है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है मैश करने में। तो देखिए फाइनली इस तरीके से डो बना करके मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था, तो इसको हम फिर से 15 मिनट बाद चेक करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा बढ़िया सा डो बन के तैयार हो जाएगा। अभी अब इसमें हम लगाएंगे देसी घी, तो उंगलियों में हम थोड़ा सा देसी घी लगा लेते हैं, क्योंकि देसी घी अगर लगा लेंगे तो वैसे भी ये नहीं चिपकेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा डो बना है, वैसे भी इसमें घी डाला हुआ है काफ़ी, तो ये चिपकेगा नहीं हाथ में, लेकिन थोड़ा सा हम घी लगा लेते हैं। और घी लगा करके हम अच्छे से मसल मसल के इसको गूंथेंगे, जितना नरम हमारा आटा गूंथा रहेगा उतने ही बढ़िया हमारे जो हैं बिस्किट बन करके तैयार होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आटा गूंदने में कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तभी जाके हमारे बिस्किट बढ़िया बनेंगे। जो बच्चे बेसब्री से सुबह से इंतजार कर रहे थे बिस्किट खाना है, उन बच्चों को मार्केट का मज़ा भी तो आना चाहिए ना, अगर मार्केट का मज़ा नहीं आएगा तो बच्चों को फिर मज़ा नहीं आएगा, बोलेंगे मम्मी से कुछ भी नहीं बनता ना। तो इसीलिए इस तरीके से देखिए हमने अच्छा सा डो बना करके तैयार कर लिया। फिर इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे, तो लोई हमें बड़ी तोड़नी है, लोई हम बड़ी तोड़ेंगे तभी हम काट करके छोटे छोटे बिस्किट इसमें से निकालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम एक लोई ले लेंगे बड़ी सी, जो रोटी पराठा की लोई बनाते हैं उससे 2 गुना लोई ले लेंगे। थोड़ा बिस्किट हमें मोटा ही रखना है, बहुत पतला नहीं रखना है। फ्रेंड मैं आप लोगों को सारे प्रोसेस दिखाती, लेकिन पता नहीं मैं कैमरा ऑन करना भूल गई कि मेरे कैमरे से वीडियो सारी डिलीट हो गई है। जो मैंने काटा है बिस्किट को, जो मैंने काटा है कटर से, वो भी डिलीट हो चुका था, और जो मैंने कढ़ाई में डाला है वो भी डिलीट हो चुका है। तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड, ये 2 प्रोसेस मैं नहीं दिखा पाऊंगी, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तब मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगी। क्योंकि देखिए पता नहीं कैसे वीडियो डिलीट हो जाती है या फिर हम कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं।
तो हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से हमने दोबारा मोड़ करके अच्छे से बेला है, तभी हमारी दो परत वाली खस्ता खस्ता बिस्किट बनेंगे। तो देखिए मैंने छोटे से कटर से इसको काट लिया हुआ है और काट करके हम इसमें डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जब हमने पलटा था तब कितने बढ़िया फूले फूले ये बन करके बिस्किट तैयार हुए हैं। इतने खस्ता मानो आप मार्केट से लाए हैं। आप इसको महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, महीनों तक इसको खा सकते हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होते हैं। लेकिन अच्छे से कंटेनर में या तो जार में आप इसको रखिएगा। देखिए कितने बढ़िया से हमारे बिस्किट बन करके तैयार हुए हैं ना। देखिए कितने बढ़िया करारे करारे बिस्किट बन करके तैयार हुए, देखिए कितने फूले फूले। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो फिर से रिक्वेस्ट करूंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आज बिस्किट की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कोई अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेकर जरूर आऊंगी। आप लोग बिस्किट को बना करके जरूर ट्राई करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।